नमस्कार अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत स्मृति लग्ना। संबलपुर गुटका फैक्ट्री अग्निकांड घटना, फैक्ट्री मैनेजर धुवेश कुमार सिंह गिरफ, संबलपुर अइंठापल्ली पुलिस गिरफ करिछि, कोर्ट चालान करिछि। अग्निकांड में 4 जन कर्मचारी मृत्यु पर पुलिस कार्यानुष्ठान, कंपानी अनेक त्रुटि जानवा पर मैनेजर को गिरफ कर। आज पवित्र मकर संक्रांति, श्रीमंदिर में पालन हेब महाप्रभु मकर नीति। महाप्रभु श्रीजगन्नाथ द्वादश यात्रा भितर मकर संक्रांति एक प्रमुख यात्रा, एथिपाई श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष स्वतंत्र नीति निर्घंट कर। महाप्रभु मंगल आरती और अवकाश नीति बढ़ा पर श्रीजीव मान पटा अपहरण लगी त्रिमुंडी मकर चूल लगार विधि रही। कर्पूर लग श्रीविग्रह मान बेश बढ़ी थाए। गोपाल बल्लभ और सका धूप नीति बढ़ा पर मैलम महास्नान सर्वांग लग नुआलुगा लग माल चूल लग नीति हुए और छ मूर्ति अलंकार मकर बेश होता है। स्वाधीनतार अमृत महोत्सव पालन अवसर में आज मकर संक्रांति में वैश्विक सूर्य नमस्कार डेमोनस्ट्रेशन कार्यक्रम अनुष्ठित होउछि। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 1 कोटी ऊर्ध लोक अंशग्रहण करेंगे बोली आशा करा जाय छि। विश्वव्यापी सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन करने आयुष मंत्रालय पक्ष समस्त प्रस्तुति शेष। श्रद्धालु 4 दिन हरिशंकर मंदिर मना, राज्य सरकार को कोविड कटकणा को दृष्टि रे रखि 14 तारीख रु 17 तारीख जाए 4 दिन श्रद्धालु बंद रखा। हरिशंकर मंदिर एने पाटनागढ़ उपजिलापाल तथा देवोत्तर कार्यनिर्वाही अधिकारी विजयानंद सेठी चिठी माध्यम रे जणाइछन्ते प्रतिवर्ष मकर अवसर में हरिशंकर रे प्रबल जनसमागम होइथाय। गुवाहाटी बिकनर एक्सप्रेस दुर्घटना होता सूचना रही। पश्चिमबंगर जलपाईगुड़ी जिले में न्यू दामनजोड़ी रेलवे स्टेशन निकट रे दुर्घटना घटी जाई। 15633 रही ट्रेन नंबर। 13 तारीख संध्या 5टा समय ट्रेन दुर्घटना रे शिकार होता। कोचगुड़िक लाइनच्युत होवार दुर्घटना घटी जाई। 12टी बगी लाइनच्युत होता सूचना। रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। सीनियर ऑफिसर्स साइट पे पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से हम लोग अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकले, मेरे पैसेंजर साथी और एक्सक्रेशिया भी अनाउंस कर। बंधाला ठक चाष बेस, सब इन्स्पेक्टर परिचय दे पुलिस को लगे चून। गिरफ ठक निजक मयूरभंज जिला बैसींगा थाना सब इन्स्पेक्टर परिचय दे लेफ्रीपड़ा थाना अधिकारी को ठकी। ठक को गिरफ करा जाए, कोर्ट चालान करा जाए। गिरफ अभियुक्त चतुर्भुज तराई ओरफ मानस दास ओरफ दीपक पंडा ए तीनटी ना रखी से समस्त को ठकी चली। बैसींगा एसआई दीपक पंडा नाम एक फेक फेसबुक आईडी खोली राज्य में बहु पुलिस को जाल में फसाइबा को चेष्टा कर। पटनागढ़ निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन अभियोग, राज्य में पंचायत निर्वाचन तारीख घोषणा कर आचरण विधि लागू करा। बलांगीर जिला पटनागढ़ खपराखोल में खोलाखोली उल्लंघन होता देखा मिली। विभिन्न स्थान में सरकारी विज्ञापन या होर्डिंग में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक फोटो लगी हटा जाए। अर्गस प्रभाव, दुई नाबालक भाई भौनी फुलचरण आश्रम करागला थैथान। कुचिंडा उपखंड गोविंदपुर पंचायतर सिसाल फार्म पड़े रोकवा दुई असहाय भाई भौनी संपर्क में अर्गस खबर प्रसारण करापर प्रशासन चेती। कुचिंडा चाइल्ड लाइन खबर पाइबा नाबालक भाई भौनी को थैथान कर। डकात बेले गांव लोकों ठार निर्धुम माड़ खाइले दुई युवक। सुवर्णपुर जिला खम्बेश्वरीपाली स्टेट बैंक बालीजुरी गांव गणेश रणा 1 लाख टंका उठाई नेउथिले। एही समय रे दुई जन युवक बाइक रे आसी तांकठारु टंका नेइके फेरार मारिला। समय रे सागरपाली पाखरे जने साइकिल आरोही संगे धक्का होइथिला एवं तापरे किछि लोक तांको पीछा करथुवा बेले सेठारे पहुंची लुटेरांको काबू कले एवं निर्धुम पिटिथिले।
ଖାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାଢ଼ୁଥିଲୁ ପଇସା ସେନୁ ଆଇଲା ପରେ ଆମର ଖମ୍ସିପାଲି କଲେଜ ଅଛେ କଲେଜନୁ ଆମକୁ ପୁରା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପଇସା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ତାହାକୁ ପିଛା କରିକରି ମୁଇଁ ପୁରା ତାହାକୁ ଧୋଇନି ଆଉ ତାକୁ ଧୋଇଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍ ପଡ଼ିଛେ ମୁଁ ଟିକେ ଫାଟିଯାଏ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛେ ମୋର ବି ଏବେ ଟିକେ ସବୁ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଛେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଲାଗୁ ହେଲା କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ନିୟମ। ଏନେଇ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ କରାଯାଇଛି। January 26 ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ କୋରାପୁଟ ପୁଲିସ ପଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଝେଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ରହେଗା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ବୃଷ୍ଟି ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 15 ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି, କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିଲଗ୍ନା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟର ତମାମ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଭିଜଉଛି, କହିପାରିବା ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜୁଛି। କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ 8-10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲାମାନେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ 16 ଦିନରୁ ବା 16 ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଶୀତ ବଢ଼ିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା, ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କଟକର ନରାଜରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 50 ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋପାଳପୁରଠାରେ 30 ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଖାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅମଳ କରାଯାଇଥିଲା ଧାନ ଚାଷ, ତାହାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାର ସୂଚନା ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଯଥାକରି ଚିନାବାଦାମ, ସୋରିଷ ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି, ସେମାନେ କମ୍ସେ କମ୍ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ 7 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବୀଜ ପକାଇଛନ୍ତି ବା ଏଇଭଳି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପକାଇଛନ୍ତି, ଧାନ କଥା ଛାଡ଼ିକି ଯାହା ତୈଳବୀଜ ଜାତୀୟ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କମ୍ସେ କମ୍ ଏଇ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଶ୍ରୁତିଲଗ୍ନା, ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତିଲଗ୍ନା, ପୂର୍ବଥର ଭଳି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭିଜେଇଥିଲା ଏହି ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି, କୋଟି ନା କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଶୀତର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଛି ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲି ଯେ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଇଏ ତମାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଲର୍ଟ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହି ସେହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବ ଲଘୁଚାପ କଥାକୁ ଯଦି ଆକଳନ କରିବା ବା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ତାହେଲେ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୁତିଲଗ୍ନା ଭିଜିଥିଲା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ
जो 9 जिला को पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कराई अधिक रु अधिक वर्षा सहित कुआपथर माड़ होपे वज्रपात पर तेणु समस्त को ए दिगरे सचेतन होवाई पड़ो जो कम से कम जपर्यंत 16 तारीख पर्यंत जहाँ कहु 15 तारीख पर्यंत यह भाव पूर्वाह्न पर्यंत वर्षा बढ़ी पारे और वर्षार परिमाण राज्य विभिन्न जिला मान विशेषकर तो कहीपर जे येलो वार्निंग जिला मान अधिक वर्षा हे कि सहित आभ्यंतरीण ओडिशा और उपकूल ओडिशार तमाम जिला भिजिब तेणु समस्त जिला को कोभली भाव सुरक्षित लोक मैंने रहीपर एवं कोभली भाव जिला प्रशासन ए दिगरे दृष्टि देव ताऊपर समस्त नजर रहुत बहुत धन्यवाद स्वप्ना सविशेष सूचना पर स्वप्ना जो भाव में पापाग विषय में अधिक अपडेट दौले क्यों क्यों जिले में वर्षार परिमाण अधिक रहा कुआपथर बर्षार संभावना मध्य गोटे दुईट जगार रही आहरी दुई दिन वर्षा राज्य आम कहीपर समय छोट ब्रेक ब्रेक पर फेर खबर को नुआपड़ा जिला खड़िया अबकारी विभाग को मिली बड़ सफलता अबकारी विभाग पेट्रोलिंग समय खड़ियारु कोमना जीवा रास्ता 353 जातीय राजपथ बरगां छक निकट में जड़े युवक गोटे कार्टून धरी बस को अपेक्षा करथिबा बले अबकारी विभाग संध्या करी जांच करथिला ए समय रे 100 बोतल कप सिरप जबत करा जैथिला जहार अनुमानिक मूल्य 15,000 टंका हेबो बोली सूचना थानार चारि कनेस्टबल अचानक बदली प्रतिवाद रे थाना घेरव कले गां लोक जाजपुर जिला ब्रिंझारपुर थानार चारि कनेस्टबल को हठात बदली जार प्रतिवाद रे स्थानीय लोक थाना घेरव करिसेंती तुरंत थाना अधिकारी को बदली करबा पई दाबी करिसेंती स्थानीय लोक चारि कनेस्टबल को एका संगे काही के बदली करा गला से प्रश्न उठाई ना का को बेईमानी करना थी ना के किछ करना थी ताकु ताकु टंका दे खाइले साहब टंका दे खाइले तापरे ता ये जो हम ओआईसी अछंती से माने बहुत माने ये लोग अछंती बुझिलो माने ताकु जेते शीघ्र एठो ट्रांसफर करा जाओ नवीन निवास सम्मुखें धारणा दे पुरी जिला सत्यवादी ब्लॉक मधुबन पंचायत गोल विंझारपड़ा गांव कान्हुचरण विजु स्वस्थ स्मार्ट कार्ड काम न देवारु नवीन निवास सम्मुखें धारणा स्थानीय विधायक उमाकांत सामंतरायों पाखे अभियोग कर निराश होगा पर शेष में धारणा कथा चिंता कले कान्हुचरण कटक रामगढ़ अंचल को स्वर्गत बर्षियान अभिनेता मिहिर दास नाम से नामित करने को दावी करिसेंती स्थानीय बासिंदा रामगढ़ कनिका छक बनदुर्गा पूजा कमिटी पक्षर मिहिर दास स्मृति में आयोजन शोक सभा जो दावी करटर पुओ को सम्मान पर दावी उपस्थापन कर जोटि की सी प्रभु नहींकना गले से हूँ शांति में कमी रुहतु से प्रार्थना करी ओडार सब जनसाधारण को अनुरोध करी भल पाइबा जितकी दौले से भल पाए दिंतु आपण मध्यम गोटे कथा कह साहि तरफ आम कहूँ जो कौनसी ना कौन जगह गोटे हूँ मिहिर दास नाम नामित हो कि मरणोत्तर पद्मश्री अवार्ड जहाँ मुझे आगु कही पारे प्रति रियल श्रद्धाजलि हम बोली मुझे टीटलागढ़ बांधपड़ा पंचायत अंतर्गत बुरड़ीपड़ा पथरखंडी निकट एक चहला गोरु उद्धार करा जाए सूचना मुताबक गोरु देशिलो गांव मधु साहूंकर बोली जना पड़ी गायटी विगत तीन दिन निखोज थिला मालकानगिरी 280 केजी गंजेई जबत 6 गिरफ मालकानगिरी जिला गुडुमूल गुमा फांडी पक्षर चढ़ाव कर 280 केजी गंजे जबत कर 6 जन को गिरफ विशेष सूत्र खबर पाइबा थाना अधिकारी गिरीश चंद्र महाराणा नेतृत्व में पुलिस टीम गत काली रात्रि रे पेट्रोलिंग करुवा समय यह संभव है जगत सिंहपुर जिले में कोरोना महामारी तृतीय लहर संक्रमण द्रुत गति में बढ़ी चली संक्रमण को रोकने जगत सिंहपुर जिला प्रशासन पक्ष जिलार समस्त धार्मिक स्थान मंदिर चर्च मस्जिद आसंता 31 तारीख पर्यंत बंद रखी केवल नीतिकांति पालन भक्तों दर्शन बंद रही जो नियम उल्लंघन करेंगे आईन हिसाब से दंडित कोविड नियमर धज्जा उड़ी डेलांग ब्लॉक चाईपुर पंचायत बिजेडी आयोजित
प्राक निर्वाचनी सभारे कोविड नियमर उल्लंघन डेलांगा ब्लॉक सभापति बैरागी जेना नेतृत्व में अनुष्ठित दलय सभारे जोगदे शताधिक बिजेडी कर्मी गोटेपटे कोविड पर सरकार नाना कटकणा जारी करथवा बळे ए चित्र समस्त आश्चर्य करछि। वर्षा सांग को नाचरे मस्कुल जनता सरकारी नियम को खातिर करना ओमिक्रोन को डाकी आणुंट लोक ए दृश्य देखा मिली खोद शासक दल विधायक तथा योजना बोर्ड अध्यक्ष श्रीकांत साहू का निज गां हतीओटो ठारे वर्तमान वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होउछि। 57 नंबर जातीय राजपथ मधुपुर ठारे ट्रक धक्कारे बाइक आरोही मृत बौद्ध सदर थाना अंतर्गत 57 नंबर जातीय राजपथर मधुपुर ठारे ट्रक धक्कारे जने बाइक आरोही घटनास्थल में मृत्यु होइछि। बाउंसुनीरो बौद्ध आड़क आसुवा बेले कंपनीर एक ट्रक सामनारु आसुथिला एवं बाइक को धक्का देथिला। चाषी धान लुट पर षड्यंत्र षड्यंत्र सामिल चारे सरकारी बाबू चाषी कष्ट उपार्जित धान सीज पाई जाते हटहटा हो फेरिले। एभली घटना बलांगीर जिला बेलपड़ा ब्लॉक अंतर्गत जलिया गांव में घटी। बलांगीर जिला सैंतला थाना डोंगरीपाली गांवर व्यवसायी अजित साहू घरे गतकाली विलंबित राति छह जन मुखापिंधा डकायत दल आसी मारणास्त्र देखाइथिले एवं जणक आक्रमण कर डकायती करते घर नगद 6 लाख टंका ता सह 10 भरी सुना लुटि अभियोग पुलिस घटनार तदंत कर। कटक जिलार उपांत अंचल नरसिंहपुर मेडिकल होउछि को प्रमुख डाक्तरखाना स्वास्थ्य सेवा रे उन्नति पई सेठारे प्रतिष्ठा करा जायतिला नरसिंहपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र किंतु चिकित्सालय रे एबे नाही नथिबा परिस्थिति सृष्टि होईछि। नरसिंहपुर समेत आखपाख प्राय हजार हजार लोक ए डाक्तरखाना उपरे निर्भर करथुवा बळे सेवा जोगाइबारे फेल मारिछि चिकित्सालय। खलिकोट ब्लॉक अंतर्गत लंगलेश्वर स्थित तेलटीही सेवा समवाय समिति परिसर धानमंडे उद्घाटित होईछि। ए उद्घाटनी कार्यक्रम रे समिति संपादक सुरेंद्र दळेई पौरोहित्य करथिबा बळे बीसीसी बैंक खलिकोट शाखा परिचालक रविंद्र कुमार साहू मुख्य अतिथि भाव जोग देथिले। पश्चिमबंगर सागर द्वीपर चलित वर्ष 10 तारिखर आरंभ हो सागर मेला संगम रे स्नान करने कपिलमुनि आश्रम रे भिड़ लगाई पुण्यार्थी माने तबे कोरोना काल रे कोलकाता हाईकोर्ट गठित नजरदारी कमिटर तत्वावधान में यह मेला चली पूजा सारी सागर छाड़ हजार हजार पुण्यार्थी। नमस्कार।